शारदाज वर्ल्ड, शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैंने जितना बेसन लिया है उतना ही दही लेंगे। डिपेंड करता है आप कितना कढ़ी बनाना चाहते हो, उसी हिसाब से बेसन और दही लेना है। आज मैं आप सबसे कढ़ी चावल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून बेसन लिए हैं और 4 टेबल स्पून ही दही ले लिए हैं। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट जाएगा, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद फिर इसमें जाएंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और जाएगा इसमें हींग। तो तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने हींग ऐड कर दिए हैं। ये देखिए 1/4 टीस्पून मैंने हींग ऐड कर दिए हैं। और हींग ऐड करने के बाद फिर इसमें भर के 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद एक बार सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और फिर इसमें मैं पानी के बदले में छाछ ऐड करूंगी। छाछ के साथ इसका मैं बैटर बनाऊंगी। तो खूब सारा, तकरीबन मैंने इसमें 1 लीटर छाछ ऐड कर दूंगी और फिर इसको मिक्स करके एक घोल सा बैटर सा तैयार कर लूंगी। तो थोड़ा थोड़ा छाछ ऐड करके एक पतला सा बैटर तैयार कर लेना है। यहाँ पर तकरीबन 1 लीटर छाछ मैंने ऐड किए थे और बाकी का छाछ मैं बाद में ऐड करूंगी। बैटर तैयार करने के बाद यहाँ पर पैन में मैंने सरसों का तेल ले लिया है। इसमें एक तड़का जाएगा, ये देखिए 1 टीस्पून मेथी, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 1.5 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून कलौंजी, 5 से 6 लौंग, 3 हरी इलायची और 3 से 4 सूखी लाल मिर्च ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा हींग जाएगा और तड़का जब क्रैकल हो जाएगा फिर इसमें थोड़ा सा लहसुन ऐड कर, थोड़ा सा नहीं खूब सारा लहसुन ऐड करूंगी, 1.5 टेबल स्पून ग्रेटेड लहसुन। अगर आप सबको लहसुन का फ्लेवर पसंद नहीं है तो सिर्फ हींग ऐड कर सकते हैं। मैंने खूब सारा लहसुन ऐड किए थे, 1 टेबल स्पून तकरीबन ग्रेटेड जिंजर, 3 से 4 हरी मिर्च 2 पार्ट्स में कट करके। थोड़ी देर सौटे करने के बाद मैंने जो बैटर तैयार किया था इसको ऐड कर देंगे। अगेन इसमें थोड़ा सा पतला करने के लिए छाछ ऐड करूंगी। तो तकरीबन आज मैंने 1.5 लीटर छाछ यूज किए थे और थोड़ा सा मैं पानी भी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद अब कढ़ी को 1 उबाल आने तक लगातार चलाते रहना है। और जब उबाल आ जाएगा तो कढ़ी को स्लो फ्लेम पे 40-45 मिनट तक पका लेना है। तो जब तक कढ़ी पकेगा इधर मैं पकौड़े फ्राई कर लूंगी। पकौड़े के लिए मैंने यहाँ पर बेसन ले लिया है और बेसन आप अपने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट लेंगे। जितना पकौड़ा बनाना होगा उसी हिसाब से बेसन लेने हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरा बेसन लिए थे, 3 मीडियम साइज के प्याज बारीक कट करके, 350 ग्राम तक का पालक था बारीक कट करके, 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कट करके, थोड़ा सा तकरीबन 1/2 कप धनिया पत्ता, 1 पिंच सोडा, कुटी हुई धनिया 1.5 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून था इसमें चिली फ्लेक्स, और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। थोड़ा सा पानी ऐड करके पकौड़ा का बैटर तैयार कर लेंगे। ये देखिए पकौड़ा का बैटर इस कंसिस्टेंसी का तैयार कर लेना है। और मैंने पैन में तेल गर्म होने के लिए चढ़ा रखा है। बस पकौड़ा को फ्राई करके निकाल लेना है। और साइज आप पे डिपेंड करता है, कितना बड़ा रखना चाहते हो। तो मैंने छोटे छोटे बॉल्स रखे थे और दोनों साइड से एक अच्छा सा कलर आने तक पकौड़ा को फ्राई कर लेना है। और इस पकौड़ा को फ्रेंड्स एज ए स्नैक भी आप खा सकते हैं, बहुत ही मजे का लगता है। तो मैं भी जब कढ़ी बनाती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा पकौड़ा रखती हूँ, क्योंकि मेरे घर में बच्चे आधा तो कढ़ी में डालने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं। तो सारे बैचेज पकौड़े को फ्राई करते हैं। और ये देखिए इधर मैंने चावल भी चढ़ा रखा है, आज मैं गोविंदो भोग राइस बना रही हूँ। तो चावल मैंने चढ़ा दिया है और सारे पकौड़े भी डन हैं। कढ़ी भी तकरीबन 45 मिनट से उबल रही है। ये देखिए अच्छी तरह से कढ़ी पक गई है। तो बस अब पकौड़े को इसमें ऐड कर देंगे, 2 से 3 मिनट तक अगेन पका लेना है और फिर इसमें एक तड़का जाएगा। तो तड़का पैन में मैंने जो पकौड़े फ्राई किए थे उसी का थोड़ा सा तेल रख लिया था। बस इस तेल में जाएगा थोड़ा सा मेथी, तकरीबन 1 टीस्पून मेथी, और मेथी ऐड करने के बाद 1 टीस्पून जीरा जाएगा। जीरा ऐड करने के बाद 4 से 5 सूखी लाल मिर्च, लाल मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम ज़्यादा रख सकते हैं, थोड़ा सा 1/4 टीस्पून हींग,
और तड़का जब क्रैकल हो जाएगा फ्लेम को ऑफ कर देना है। फिर उसमें 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। तड़का को कढ़ी में ऐड कर देना है। लास्ट में खूब सारा कोरिएंडर लीव्स जरूर ऐड करना। मैं मोस्टली इसी तरह से कढ़ी बनाती हूँ फ्रेंड्स। आप सब कैसे बनाते हो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। और जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ बिहार में दही वाली कढ़ी बहुत कम बनती है, या तो आम की खटाई के साथ बनती है या टमाटर के साथ, और बहुत ही पतला ग्रेवी उसका बनता है, बिल्कुल पतला पतला सूप जैसा कढ़ी बनता है। और पकौड़े जो बनते हैं ना सिर्फ बेसन के, उसकी रेसिपी कई बार आप सबसे शेयर कर चुकी हूँ। मेरे घर में बच्चों को बथुआ का कढ़ी भी बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स जैसा कि अभी विंटर सीजन है और बथुआ जाने वाला है, तो बहुत जल्द आप सबसे बथुआ की कढ़ी की रेसिपी भी शेयर करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो लंच के बाद मैं आ गई हूँ सासुती को सेकेंड डोज दिलवाने, क्योंकि ऑलरेडी 1 मंथ से 10 दिन लेट हो चुका था। नहीं सासुती, हाँ। मेरे ख्याल से 10 दिन तो लेट हो गया ना? हाँ, 10 दिन के अराउंड तो लेट हो गया। चुनू ठीक हो? यस, एवरीथिंग इज ओके? डर तो नहीं रही थी? नहीं, पहले भी तो वैक्सीन लेती थी, आज तक अभी डरी। ये देखिए आज क्या है सासुती का लंच, नजदीक से दिखाती हूँ मैं, रुकिए। ये देखिए, इसको जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं उन सबको पता होगा, गीला चावल हम लोग बोलते हैं मरगिल्ला, मरसटका, और साथ में है आलू का चोखा, बिना बघाड़ा वाला, बिना तड़का वाला, बस आलू को बॉईल करके नमक और सरसों के तेल के साथ, चाहे तो आप इसमें बारीक कट करके प्याज भी दे सकते हैं। और ये है गीला चावल, उसके ऊपर नमक सरसों का तेल, आप घी डाल के भी खा सकते हैं। सासुती का तो बचपन का बहुत ही फेवरेट खाना था, नहीं सासुती? हाँ, स्कूल सुबह सुबह मैं मोस्टली इसको यही बना के देती थी, ये गीला चावल और चोखा। आज इसका तबीयत खराब है ज्यादा, तो इसको बिल्कुल सादा सादा खाने का मन कर रहा था, तो सासुती बचपन का याद ताजा कर रही है। वैसे भी मेरे घर में कभी कभार महीने में एक बार ये बन जाता है। और मेरे कौन कौन से फ्रेंड्स को जो लोग बिहार से बिलोंग करते हो पसंद है कमेंट में जरूर बताना। फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ नीचे, चुनू को खाना देके नीचे आ गई हूँ। आज फाइनली विवाह निकल रही है, तो सोचा एक बार फाइनल उसको गुड बाय कह दूँ। तो अभी थोड़ी देर हम लोग फ्रेंड्स के साथ पार्क में बैठेंगे, जैसे ही वो निकलेगी उसको बाय करके फिर घर वापस आ जाएंगे। पहले तो विंटर में मोस्टली मैं पार्क में होती थी 2 बजे के बाद 1-1.5 घंटे के लिए, लेकिन अभी काफ़ी दिन से बैठना नहीं हुआ है, तो आज काफ़ी दिन के बाद थोड़ी देर धूप में बैठेंगे फ्रेंड्स के साथ, और फिर विवाह जब नीचे आएगी तो फाइनली उसको बाय बोल के घर जाएंगे। तो यही पार्क में बैठ के हम लोग विवाह का वेट कर रहे हैं, और ये रहा हमारा पार्क। ये देखिए, वो काफ़ी तेज जब भूख लगा होता है ना, और जैसे ही आगे अच्छा अच्छा खाना आ जाए तो हम टूट पड़ते हैं ना, उसी तरह से आजकल हम लोगों का सिचुएशन हो गया है। हम सारे फ्रेंड्स का मिलना तो होता नहीं है, तो जिस दिन भी मिलते हैं तो लगता है कितनी सारी बातें कर लूँ। और फाइनली विवाह जा रही है, तो हम लोग उदास हो रहे थे और थोड़ा खुश भी हो रहे थे, क्योंकि
विवाह जो है ना बच्चों के चलते यहाँ रहती थी और भाई साहब विवाह के जो हस्बैंड हैं कहीं और जॉब करते हैं, तो काफ़ी टाइम से दोनों अलग रह रहे थे। तो चलो बच्चे सेट हो गए, उसके दूसरा बच्चा भी कॉलेज जा चुका है पढ़ने के लिए, तो अब फाइनली दोनों हस्बैंड वाइफ साथ रहेंगे, तो उसके लिए हम लोग खुश भी हो रहे थे। और एक बार सबके साथ में फोटो सेशन तो बनता है। I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. सारे काफी विभाग आप चले गए पर सभी इमोशनल हो रखे हैं। सुनीता देखो कितनी इमोशनल हो रखी है। ये दोनों देखो हमारी बात नहीं हो सकती, अब भूल के कुछ और बातें करने लग गए हैं। सभी अभी तक इमोशनल हो रखे हैं, कह रहे भी भाई यहीं आ जाते, यहीं हस्बैंड आ जाते ट्रांसफर होके। तो सारे ममता ने काफी सर टेढ़ा कर रखा है, काफी दुखी है, शारदा दुखी रोने के बाद फिर थोड़ा सा मुस्कुराहट आई चेहरे पे, सभी इमोशनल हो रखे हैं, काफी इमोशनल हो रखी है। सब बहुत याद कर रहे हैं, अभी गए हुए आपको याद तो आएगी, याद तो बहुत आएगी, याद तो हर घड़ी आएगी, अच्छा आएगी हर फंक्शन में। तो बातें कंट्रोल कर रखा था लेकिन अब मुझे काफी कंट्रोल नहीं हो पाया। उम्मीद है और ये दोनों का काफी सीरियस वो चल रहा है, बातें चल रही हैं। ऐसी है बहन, बच्चे कहाँ ले जाएं, कहाँ कर दें, कुछ नहीं, सबका कोई ठीक नहीं। इस आ गए ना सफर जो बस बस मिलती है। तो फ्रेंड्स विवाह को विदा करने के बाद काफी देर तक हम सारे फ्रेंड्स मिलके बातें करते रहे और अभी मैं जा रही हूँ वापस घर। आज व्लॉग भी नहीं जा पाएगा फ्रेंड्स क्योंकि आज हमने फुल मस्ती की है और अभी जा रही हूँ घर। तो व्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड करती हूँ और थोड़ा सा भी अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इवन इफ यू ट्राई यू वुडंट